दोस्तों आज की वीडियो में आपको एक ऐसी दरगाह शिप लेकर के जाने वाले जहाँ पे भूत प्रेतों को पेड़ों पे बांधा जाता है, पेड़ों पे यहाँ पे जंजीर से कैद करा जाता है। तो अभी आपको पूरा लाइव यहाँ पे नज़ारा दिखाने वाले। बस दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पूरा देखना, काट काट के बिल्कुल मत देखना। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना। अभी आपको यहाँ के बारे में पूरी जानकारी देने वाले कि आप यहाँ पे कैसे आ सकते हो और यहाँ पे भूत प्रेतों को कैसे कैद करा जाता है, किस तरीके से यहाँ पे रूहानी इलाज होता है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने। दोस्तों आज की वीडियो में आपको ले जाने वाला हूँ सैलानी बाबा के यहाँ पे एक और रहस्यमय दरगाह साहिब के नाम से जाना जाता है, जो कि सैलानी बाबा की बैठक बताई जाती है, सैलानी बाबा की इबादत की जगह बताई जाती है। और दोस्तों वहाँ भी ऐसा बताया जाता है जो रूहानी इलाज होता है, और ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पे एक जामुन का पेड़ है, वहाँ पे जिनों के अंदर मतलब हाजिरी आती है तो वो उस जामुन के पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और ऊपर से गिरती है, लेकिन उनको कुछ भी नहीं होता है। तो अभी आपको वो पेड़ भी बताएंगे कौन से पेड़ के ऊपर जो रूहानी ताकत है, जिनके शरीर के अंदर भूत प्रेत होता है वो उसके ऊपर भी चढ़ते, वो भी आपको बताएंगे। एक पेड़ यहाँ भी है, यहाँ पे कई पुतले लगे हुए हैं। दोस्तों ये पुतले लगाने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कोई आता है तो उसकी जो रूहानी ताकत है वो पुतले के रूप में यहीं रह जाए और वो यहाँ से एकदम सही होकर के जा सके। तो आप ये पहले पूरा रास्ता देख सकते हो, ये पूरा सैलानी बाबा का जो गांव है वहाँ पे अभी हम मौजूद हैं, और यहाँ पे अभी जो जामुन वाले बाबा की दरगाह से बताई जाती है, अभी हम वहाँ जाएंगे और पूरी आपको ज्यादात भी कराएंगे, दीदार कराएंगे। तो दोस्तों बस आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। आप चलते हैं, बैक कैमरा से आपको पूरा नज़ारा दिखाते हैं, यहाँ की आगे की और भी जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों बस यहाँ पर जो रूहानी भूत प्रेत काला जादू, किसी ने कुछ कराया, किसी ने कुछ पिलाया, तो इन सब चीज़ों का यहाँ पर इलाज होता है। आप ये पूरा नज़ारा देख सकते हो, अभी यहाँ पर मेरे अलावा कोई भी नहीं, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है। तो ये पूरा सीन देखिए दोस्तों, ऐसे ही वीडियो अपने चैनल पर आते रहेंगे, बस आपके सपोर्ट और प्यार की जरूरत। चलिए दोस्तों अब आपको लेकर के चलते हो, पूरा नज़ारा दिखाते हुए पूरा सीन दिखाते हैं यहाँ पे किस किस प्रकार से क्या क्या चीज़ है। जैसे कि दोस्तों आपको सामने नज़र आ रहा है यहाँ पे एक पेड़ है, और पेड़ के ऊपर कई सारे आपको ये छोटे छोटे जो नज़र आ रहे हैं ये काले कलर के पुतले हैं, जिन्हों को यहाँ पे कीलों से यहाँ पे ठोका गया है। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि जो ये पुतले हैं इनके रूप में कोई ना कोई रूहानी ताकत है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो दरगाह शरीफ सामने, जो कि हजरत जामुन वाली दरगाह शरीफ के नाम से जानी जाती है, लेकिन दोस्तों हजरत सैलानी बाबा की वो बैठक है, जो सैलानी बाबा की बैठक है वहाँ पे अभी हम आपको लेकर के जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों किस तरीके से यहाँ पे ये काले कलर के जो पुतले हैं ये गुड़िया है, ऐसा बताया जाता है कि इनों के अंदर कोई ना कोई रूहानी ताकत है। अभी तो ये फ्रेश है क्योंकि अभी इसको यूज नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर जिन लोगों के अंदर अगर हाजिरी आती है तो उनों के नाम से ये पुतले है इनको रखा जाता है, और उनके मतलब बाल वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ काट के इनमें लगाई जाती है ताकि उनके शरीर में से जो भी भूत प्रेत रूहानी ताकत है वो इस पुतले के अंदर आ जाए। फिर इस पुतले को यहाँ पे आसपास जो भी पेड़ है वहाँ पे लगा दिया जाता है या ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। अभी हम वहाँ पर जाएंगे जो हजरत सैलानी बाबा की बैठक है, जो कि जामुन वाली बाबा की दरगाह शरीफ के नाम से भी जानी जाती है, वहाँ पर हम जाएंगे। वहाँ भी ऐसा एक पेड़ है, वहाँ पर कई सारे यहाँ पे मतलब काले कलर के ऐसे पुतले गुड़ियाएं लगा रखी, वो भी आपको दिखाएंगे, वो मजार शरीफ की भी आपको ज़ियारत कराएंगे। वहाँ पे मतलब जो बैठक है हजरत सैलानी बाबा की, वहाँ पे मजार शरीफ भी है, वहाँ भी ज़ियारत कराएंगे, और जो बैठक है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ पे नज़ारा देखिए किस प्रकार से ये पूरा सीन है। दोस्तों बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करना। जो आज परेशान लोग हैं जिन्हों को नहीं मालूम है कि भूत प्रेत रूहानी ताकत है, इन सब चीज़ों का इलाज है, तो उन लोगों तक इस वीडियो को आपको पहुंचाना ताकि उनको भी मालूम चल पाए, क्योंकि वो बताने में भी डरते हैं। कई लोग तो बता भी नहीं पाते कि हमें कोई मानसिक रोगी कोई पागल समझेगा, इसलिए कोई बता भी नहीं पाते। लेकिन दोस्तों जिस किसी के शरीर के अंदर अगर ऐसी रूहानी ताकत होती है तो उसी को मालूम है कि कितनी तकलीफ उसको झेलनी पड़ती है, वो बता भी नहीं सकता। और यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर हरे कलर के नारियल और ये पुतले जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, पूरे जो सैलानी गांव है। दोस्तों आप यहाँ पे कैसे आ सकते हो, पहले मैं आपको पूरा एड्रेस भी बता देता हूँ। यहाँ पे आप कहीं से भी हो, महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में आना, आपको मलकापुर उतरना है, और मलकापुर आने के बाद किसी से भी पूछ लेना कि सैलानी गाँव कहाँ है, सैलानी दरगाह जाना, तो वहाँ से बसें वगैरह जाती है, आप यहाँ पर आराम से आ सकते हो। आपको ये पूरा नज़ारा दिखा दिए, महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित, जो कि मलकापुर के आसपास, अगर मलकापुर स्टेशन भी आते हो तो आप तो भी आप यहाँ पर आराम से पहुँच पाओगे। तो आप यहाँ पूरा नज़ारा देखिए, यही वो जामुन वाला पेड़ है। दोस्तों यहाँ पे बताया जाता है इस पेड़ के ऊपर कई सारे जिन लोगों को अगर हाजिरी आती है, जिन्हों के अंदर रूहानी ताकत होती है, भूत प्रेत होते हैं, तो इस पेड़ के ऊपर भी वे चढ़ जाते हैं, और अजीबो गरीब हाजिरी उनको इस पेड़ के ऊपर भी चढ़ करके आती है। लेकिन दोस्तों अगर कोई इस पेड़ के ऊपर से भी गिरता है तो भी उसको कुछ नहीं होता, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। और दोस्तों यहाँ पे कई सारी यहाँ पे देख सकते हो मन्नत के धागे भी बंधे हुए हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे फोटो भी लगी हुई है, वो भी अभी आपको दिखाएंगे। और यहाँ देखिए दोस्तों जो बैठक है उसी के पास में यहाँ पे मजार शरीफ है,
यहाँ पे देखिए हजरत पीर बाबा की यहाँ पे मजार शरीफ पे आप जियारत करिए, दीदार करिए आप भी। दोस्तों बस यही रिक्वेस्ट है, जितने भी ऑडियंस ये वीडियो देख रही है सभी की जो भी मन्नत तो मुरादे है वो सभी की पूरी हो। आप यहाँ पे देख सकते हो किस प्रकार से ये पूरा नज़ारा। चलिए दोस्तों और भी आपको यहाँ के बारे में दिखाते हैं। यहाँ पे कई सारे मन्नत के ताले भी लगे हुए हैं और जहाँ पे ये रूहानी ताकतों को कैद करा जाता है वो पेड़ अभी आपको दिखाने वाले हैं किस तरीके से यहाँ पे भूत प्रेतों को बांधा जाता है, वो पेड़ अभी आपको लाइव दिखाने वाले। पहले आपको यहाँ दिखा देते दोस्तों कितने सारे यहाँ पे मन्नत के ताले लगे हुए हैं, ये देख सकते हो आप कितने सारे यहाँ पे ताले हैं जो कि एक बॉक्स के ऊपर यहाँ पे सभी ने लॉक कर रखे हैं। दोस्तों सभी की अपनी अपनी मन्नत और मुरादें हैं और आप यहाँ पे देखिए किस प्रकार से नज़ारा। यही हजरत सैलानी बाबा की बैठक है जो कि जामुन वाली दरगाह शरीफ के नाम से जानी जाती है। और अभी आपको वो पेड़ दिखाते हैं जहाँ पे पूरा आप यहाँ से नज़ारा देख लीजिए एक बार पूरा ये सीन। दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताना महाराष्ट्र के कौन कौन है और यहाँ पे हजरत सैलानी बाबा की दरगाह शरीफ के जो गाँव में आसपास जितनी भी दरगाह शरीफ है कौन कौन यहाँ पे आ चुका है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो। दोस्तों जो पेड़ की मैं बात कर रहा था यहाँ पे जामुन वाली दरगाह शरीफ के यहाँ पे, तो आप देख सकते हो इसी पेड़ के ऊपर कितनी सारी प्रेत आत्माएं यहाँ पे बंधी हुई है, मतलब पुतले के रूप में कोई ना कोई इनके अंदर प्रेत बाताएं है, प्रेत आत्माएं है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से कितने सारे यहाँ पे पुतले लगे हुए हैं। तो दोस्तों इनके अंदर कोई ना कोई आत्मा है, रूहानी ताकत है और कई सारे नींबू वगैरह भी यहाँ पे लगे हुए हैं और इनको किलो से ठोक रखा है पेड़ के ऊपर। और दोस्तों आप ये पूरा नज़ारा देख सकते हो। और यहाँ के बारे में दोस्तों हमने पुतले के बारे में भी जाना था कि कोई अगर अनजान व्यक्ति आकर के अगर इनको छू लेता है तो उनको कुछ होता है या नहीं होता, तो यहाँ पे मना करा था अगर कोई भी अगर इसको छू लेता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ये पूरा नज़ारा आप देख सकते हो, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करना।